अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे बायो एक्वा के एक सीरम के बारे में जिसका नाम है वंडर एसेंस। तो इस सीरम के काम क्या हैं, इसके फ़ायदे हैं या नहीं हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट हैं या नहीं हैं, इसकी प्राइस क्या है, सभी बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं टाइम ज़ाया किए बिना। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये मिस्टच की जो ऑफिशियल की किट है ये हमारे पास आ गई है, इसका रिव्यू भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा और इसका इस्तेमाल भी आपको पूरी तरह से मैं समझा दूंगा कि किस तरह से आपने कौन सी चीज़ पहले इस्तेमाल करनी है, कौन सी चीज़ बाद में इस्तेमाल करनी है। उसके अलावा ये हमारे पास हलावा का वैक्स भी आ गया है मिस्टच कंपनी का, तो इसके बारे में भी आपको एक रिव्यू मिल जाएगा। उसके अलावा हमारे पास ये फेयर लवली का फेस वॉश पड़ा है, इसके बारे में मैंने पहले काफ़ी सारी वीडियोस में जिक्र तो किया है कि वो आप इस्तेमाल कर लें, लेकिन मैंने आपको दिखाया नहीं था। कुछ लोग हैं जो इसको बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, कुछ नहीं भी जानते, तो उनके लिए एक छोटी सी वीडियो इसके बारे में भी आ जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें रेड कलर के बटन को दबा के और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिल सके। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारे पास आज सीरम है इसका नाम है वंडर एसेंस। इसकी पैकिंग बड़ी सिंपल सी है, इसको खोलते हैं, पैकिंग को करते हैं साइड पे, देखते हैं हमें अंदर क्या मिलता है। तो एक खूबसूरत सा एक सीरम है, छोटा सा है लेकिन ये एक महीना भी चल जाएगा, क्योंकि सीरम बहुत ही थोड़ी डोज में आपने इस्तेमाल करना होता है, ये ज़्यादा नहीं लगाना। इसके इस्तेमाल की बात करते हैं, ये आपने हल्का हल्का मसाज करके स्किन में अच्छे तरीके से जज़ब करना है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ किस तरह से आप करेंगे। एक ड्रॉप ही काफ़ी आपकी एक साइड के लिए, और दूसरी साइड के लिए दूसरा ड्रॉप आप लगा लें, एक ड्रॉप आप अपने फोरहेड पे लगा लें। हल्के से आपने सर्कुलर मोशन में इसका मसाज करना है, बिल्कुल भी ऑयली फीलिंग नहीं आएगी, ये अच्छे तरीके से आपकी स्किन में जज़ब हो जाता है, बिल्कुल आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कुछ लगाया है या नहीं। इसके ऊपर मेकअप भी इस्तेमाल हो सकता है, तो इजीली आप दिन में भी लगा सकते हैं, रात में भी लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि क्रीम के जो इस्तेमाल हैं वो एक दो दिन के अंदर अंदर आपको रिज़ल्ट तो दे देते हैं, लेकिन उतना ही आपकी स्किन का बेड़ा गर्क करते हैं, स्किन रेड हो जाती है, ड्राइनेस भी आ जाती है, सेंसिटिव भी हो जाती है, बहुत ज़्यादा मसाइल आते हैं। सीरम के इस्तेमाल से ये सारी चीज़ें नहीं होती, और सीरम का इस्तेमाल करते जाएंगे तो आपकी स्किन जो है वो बेहतर से बेहतर होती जाएगी। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसके रिज़ल्ट कब तक आएंगे, तो इसके रिज़ल्ट थोड़े से लेट आएंगे, मतलब क्रीम के रिज़ल्ट अगर आपको 8 दिन के अंदर मिलेंगे तो सीरम के रिज़ल्ट आपको 15 से 20 दिन के अंदर देखने को मिलेंगे। ज़्यादा लेट भी नहीं है, लेकिन उतनी जल्दी आपको रिज़ल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। तो जो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि भाई 2 दिन हो गए हैं हम सीरम का इस्तेमाल कर रहे हैं रिज़ल्ट ही नहीं आ रहे, भाई खुदा का वास्ता 2 दिन के अंदर तो किसी चीज़ के रिज़ल्ट नहीं आते। आप अपनी स्किन के अंदर यहाँ पे इंजेक्शन भी लगवा लेंगे ना, तो 2 दिन के अंदर उसके रिज़ल्ट भी आपको शायद देखने को नहीं मिलेंगे, अगर कोई वाइटनिंग इंजेक्शन आप स्किन के अंदर भी इंजेक्ट करवा लेंगे। तो सीरम के या क्रीम के रिज़ल्ट आपको 2 दिन के अंदर देखने को कभी भी नहीं मिलेंगे। 15-20 दिन आप अपनी स्किन को अच्छे तरीके से ट्रीट करेंगे, सीरम लगाएंगे, कोई अच्छा मॉइस्चराइज़र लगाएंगे, धूप से थोड़ा सा बचेंगे, डस्ट से थोड़ा सा महफूज रखेंगे अपनी स्किन को, तो अच्छे रिज़ल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। अब सीरम की बात करें तो बायो एक्वा एक अच्छी कंपनी है, मैंने इसके जितने भी रिव्यूज़ पढ़े हैं दराज पे आप भी पढ़ सकते हैं, कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है जो सिर्फ मैं पढ़ सकता हूँ, दराज पे भी आप पढ़ सकते हैं, अमेज़ॉन पे है, अलीबाबा एक्सप्रेस पे है और अली एक्सप्रेस पे, alibaba.com पे, तो ये सारी की सारी वेबसाइट भरी पड़ी हैं इसके रिव्यू के साथ। जहाँ पे भी मैंने इसके रिव्यूज़ पढ़े हैं मुझे इसके रिव्यूज़ अच्छे ही मिले हैं, और मैं आपके लिए वो प्रोडक्ट लेके आता हूँ जो मुझे अच्छे रिव्यूज़ के साथ मिलती है। अगर मुझे कोई ऐसी प्रोडक्ट मिले जिसके रिव्यू अच्छे नहीं है, वो भी मैं आपके सामने लेके आता हूँ, और मैं उसकी सारी की सारी करतूतें आपके सामने खोल के रख देता हूँ कि भाई इसके रिज़ल्ट अच्छे नहीं हैं, लोग कह रहे हैं कि इसको इस्तेमाल ना करें। अगर इसके रिज़ल्ट अच्छे हैं तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। प्राइस की बात करें तो ये आपको 340 या 350 रुपए के राउंड अबाउट मिल जाएगा। draaz.pk से भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दूंगा, आप इजीली इसको मंगवा सकते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ और भी ऐड करना चाहूँगा कि हमारी स्किन में क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी होती हैं जिससे हमारी स्किन जो है वो हेल्दी भी दिखे, ग्लोइंग भी दिखे, वाइट भी हो जाए। तो हमारी स्किन में इलास्टिसिटी होना ज़रूरी है, हमारी स्किन बहुत ज़्यादा खिंची हुई महसूस ना हो, हमारी स्किन का टाइट होना ज़रूरी है। टाइट होना और चीज़ होती है, खिंचाव होना और चीज़ होती है। खिंचाव आपकी स्किन में तब आता है जब मॉइस्चर आपकी स्किन का कम हो जाता है। हमारी स्किन अगर हाइड्रेट रहेगी तो हमारी स्किन खिंची हुई महसूस नहीं होगी। अच्छा मॉइस्चराइज़र आप इस्तेमाल करेंगे तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम आपकी जो हाइड्रेशन वाली है वो ख़त्म हो सकती है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। मतलब आप अगर मॉइस्चराइज़र दिन को लगाते हैं तो वो 24 घंटे के लिए तो काम करेगा, लेकिन उसके बाद आपको दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप एक सीरम का इस्तेमाल करते हैं जो आपकी स्किन की मॉइस्चराइज़र को पूरा करता है, तो उससे ये हो जाएगा कि अगर आप किसी दिन नहीं भी लगाते तो आपकी स्किन के अंदर जो मॉइस्चर है वो इतना लॉक हो जाएगा कि 1-2 दिन 3 दिन आप नहीं भी लगा रहे तो
कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी स्किन में जो खिंचाव है, जो ड्राइनेस है, वो महसूस नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे हमारी स्किन जो है वो हेल्दी भी दिखती है, ग्लोइंग भी दिखती है और आहिस्ता आहिस्ता से वाइट होना भी स्टार्ट हो जाती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, वही चीज़ इस्तेमाल करें जो आपकी स्किन को हेल्दी करें। वैसी कोई चीज़ इस्तेमाल ना करें जो आपकी स्किन को सिर्फ और सिर्फ वाइट कर दे लेकिन उसके बाद बेड़ा गर्क हो जाता है, आपकी स्किन रेड हो जाती है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे पिगमेंटेशन का मसला आ जाता है, मलाजमा भी हो जाते हैं, कुछ लोगों को एक्नी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और अगर इसकी बात करें तो बायो एक्वा की जो प्रोडक्ट है, इसके बारे में मैंने सिर्फ एक प्रोडक्ट का नहीं, मैंने इसकी काफ़ी सारी प्रोडक्ट के रिव्यू आज पड़े हैं क्योंकि मैंने आपको वीडियो में बताना था। तो जितनी भी प्रोडक्ट के रिव्यू हैं सारे के सारे ही मुझे पॉजिटिव मिले हैं और जिसने भी इसका रिव्यू लिखा है उसने थैंक्स बोला है कि भाई हमारी एक्नी से जान छूट गई है, हमारी पिगमेंटेशन जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क देखने को मिला है, बिल्कुल ख़त्म नहीं करते लेकिन फ़र्क देखने को मिला है, और जो एक्नी स्पॉट हैं वो तो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। पिगमेंटेशन के मामले में ये थोड़े से ये लाइट होते हैं, मतलब पिगमेंटेशन के लिए, क्योंकि आपकी स्किन को पील ऑफ करना ज़रूरी हो जाता है तो वो काम ये नहीं करते सीरम, उसके लिए आपको अलग से एक ट्रीटमेंट करना पड़ता है। उसके ऊपर मेरी काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं, डॉक्टर फ्री लाइफ नीचे लिखा हुआ नज़र आएगा, वहाँ पर क्लिक करें और मेरे चैनल में दाखिल होकर वीडियोज़ वाले जो हैं सेक्शन वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। तो खैर आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, अगर कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए और इस सारी प्रोडक्ट का रिव्यू देखने के लिए। इसके अलावा भी और काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं जो आपको इसी चैनल पर रिव्यूज़ मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और रिव्यू के साथ, दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।